हेलो, कैसे हैं आप? आशा कर रही हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, खुश हैं और बहुत रियाज में मन लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं मंजुश्री, इस चैनल में आपको फिर स्वागत है। तो मैं अपने गुरुजी को नमन और स्मरण करते हुए आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शुरू कर रही हूँ। तो हम लोग लास्ट एपिसोड में जौनपुरी राग को शुरू किए थे। तो जौनपुरी राग आशावरी थाट से उत्पन्न है, आपको हम बताए थे। और इसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगते हैं, ठीक है ना। वादी, समवादी, धैवत और गंधार। इस राग का नाम इस जौनपुरी इसलिए पड़ा कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने इस राग की रचना की थी, तो इसलिए जौनपुर के रहने वाले वो थे, तो जौनपुरी नाम इसका पड़ा। और इस बार मैं बता रही हूँ, लास्ट बार मैं बताने भूल गई हूँ थी कि आपको बताना चाहिए था। जैसे इसमें सारे मा पा ध ये स्वर लगते हैं, तो इस धैवत जो है, धैवत तो इस यहाँ पर रहता है, तो उस समय धैवत शुद्ध रहता है। और इधर जो हम हटा लिए, ऊपर तरफ उठा लिए ना, तो यही कोमल धैवत हो गया, ठीक है ना। आप भी अपना इस पर्दे को उठा लीजिएगा तो कान में थोड़ा सुर लगेगा, और धैवत को इस तरह से मिलाइए। अच्छा, आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि अभी इस राग में कोमल रे का कोई नहीं है, लेकिन ये जो शुद्ध रे जो है, इसी को फिर हम जिस राग में कोमल रे लगते हैं ना, उसको फिर हम इस रे को उठाकर, शुद्ध ऋषभ को उठाकर यहाँ तक लाकर
उसको कोमल ये सब बना लेते हैं, कोमल ले, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, इस राग में तो ये सब शुद्ध है। और मैं पहले जब बजा रही थी शुरुआत में, जब अभी शुरू की मैंने इस एपिसोड का, तो पहले मैं थोड़ा उस तरफ अति मंद सप्तक के बारे में थोड़ा कहाँ तक जाता है हम आपको दिखाएं, ठीक है ना। तो यहाँ समझ लीजिए, मैं पहले आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ तक मंद्र हुआ, ठीक है ना। अब इसके उधर जब जाएंगे तो वो हो जाएगा अति मंद्र सप्तक। तो वहाँ पर एक सप्तक है, कहाँ तक उसको मैंने अभी दिखाया, तो बता इसमें बोल कर बता रही हूँ और बजा कर भी दिखा रही हूँ। नी अति मंद्र, नी अति मंद, मंदिर का धैवत, पंचम, और इस जिस तार को अभी हम दाब कर नी और धर निकाले ना, उसी को खुला छोड़ेंगे थर्ड स्ट्रिंग, तो वही पंचम में बना हुआ है, तो वो पंचम हुआ अति मंदिर का। इसको इसी को खींच के निकालेंगे अति मंदिर सप्तक के सरज से, जैसे चौथा तार से फोर्थ स्ट्रिंग है ये, अति मंदिर का पंचम हुआ मध्यम, मध्यम पंचम, मापा धा धा पंचम, गंधार अति मंदिर, ऋषभ खुला छोड़ दिए, तो ये अति मंदिर सप्तक का सरज ना। इसको अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बताई। जब आप आलाप सीखेंगे, जोर सीखेंगे, उस समय आप धीरे धीरे इसके बारे में, आपको जितना नॉलेज बढ़ेगा ना, तब उस समय मीर में जितना आपको उंगलियां आप बैठेंगी, तब आप भीतर के तार की तरफ आप रियाज करेंगे और उसमें प्रैक्टिस आपको अच्छा होने लगेगा। अभी तो बस बाज के तार पर ही और यहाँ तक दूसरा तार जो है जोड़ी का तार, उसको दाब कर मा गा मंद्र सप्तक रे इस सात तक, यहाँ तक आप बजाए। समझ में आ गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ सा के बाद जब और गए उधर, तो वो अति मंदिर सप्तक का सातों स्वर को आपको मैंने दिखाया, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए और बाद में इसका प्रैक्टिस होगा।
तो गत क्या था? खाली से शुरू था गत। नवी मात्रा से इस का गत शुरू है खाली। छोटे कई तान दिखाए थे आठ मात्रा का, तो इस बार और कई तान में सोलह का दे रही हूँ। तबले के साथ दिखा रही हूँ पहले। चार मात्रा का दिया हुआ इसमें क्या हुआ? आठ मात्रा का तान, आठ मात्रा का तिहा है ना। देखिए देंगे हम सोलह बत्तीस का है। सोलह का तान, सोलह का तिहा।
शक्तियाँ ले सकते हैं सब। क्या कैसे बोला रहा है? डारा डा डार डारा डारा सकेगा, कोशिश करना है, लेकिन मैं दिखा दें इसको कैसे लिखे थे। निशा से सा को निकाल लिए, ठीक है ना? प प निशा निशा थोड़ा ज़्यादा समय है, इसको मैं लिख कर समझा दूँगी। ऐसे आपको शायद समझने में कठिनाई हो रही होगी, तो मैं इसको जब स्क्रीन पर लिख रही हूँ उसको देखकर आप समझिए। अभी प्रैक्टिस कीजिए आप, एक साथ सब नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कीजिए और मीर की तरफ ध्यान रखिए। मैं जैसे जैसे मीर बजा रही है ना, बजा रही हूँ, उसी तरफ से आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है? और अंदाज लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अंदाज लाना है और प्रैक्टिस का समय टाइम जो है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है? तो इसको आप कीजिए, उसके बाद फिर इसके बाद वाले एपिसोड में और कुछ ताने मैं बताऊंगी। तो चलिए आज यहीं तक, स्वस्थ रहिए।